मतलब एक छोटी सी स्पेसिफिक एरिया में कितने लोग रह रहे हैं खुद के बारे में बढ़ेंगे जैसे कि पॉपुलेशन दिन बर दिन बढ़ती जा रही है तो उसके हिसाब से हमें बेटर हेल्थ प्लानिंग करनी पड़ेगी एजुकेशनल प्लानिंग करनी पड़ेगी एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग एंड फूड सप्लाई वर्ल्ड एट द बिगनिंग ऑफ ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी रिकॉर्डेड द प्रेजेंस ऑफ ओवर सिक्स बिलियन पॉपुलेशन तो जब ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी स्टार्ट हुई तो उस टाइम वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी वो सिक्स बिलियन थी जॉर्ज बी क्रेसी जो कि एक जोग्राफर थे उन्होंने कहा है कि एशिया में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और कुछ ऐसी जगह जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है हम पढ़ेंगे पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड के बारे में ठीक है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड किन पैटर्न पे बेस्ड है वो अब हम स्टडी करेंगे द द टर्म पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन टू वे पीपल आर स्पेस्ड ओवर अर्थ सरफेस तो जो पॉपुलेशन है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द अर्थ सरफेस उसको हम क्या कहते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ब्रॉडली नाइनटी परसेंट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन अबाउट टेन परसेंट ऑफ इट्स लैंड एरिया जो नाइनटी परसेंट पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वो खाली टेन परसेंट लैंड में रहती है तो इससे आप समझ ही गए होंगे कितनी ज़्यादा अन इवन डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन की जो टेन कंट्रीज है वर्ल्ड की जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है वो सिक्सटी परसेंट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन में कॉन्ट्रीब्यूशन करती है ठीक है और आउट ऑफ दीज टेन कंट्रीज सिक्स आर लोकेटेड इन एशिया तो अब इन कंट्रीज का एक बार नाम देख लो रशिया बांग्लादेश पाकिस्तान इंडोनेशिया इंडिया चाइना नाम आपको याद होना चाहिए बाद में काम आएंगे ठीक है अब हम पढ़ेंगे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में जिसका मीनिंग मैंने आपको पहले भी बताया था इंटर के अंदर एक बार फिर बता देता हूँ कितने लोग रह रहे हैं कि, कितने लोग रह सकते है? हम density of population कहते हैं हम नंबर ऑफ पीपल टू द साइज ऑफ लैंड पॉपुलेशन ठीक है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का फॉर्मुला है पॉपुलेशन बाई एरिया तो अगर कोई भी आपको न्यूमेरिकल दे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में सिंपल फार्मूला पॉपुलेशन एरिया आपको पॉपुलेशन पता होगा एरिया पता लगा होगा पता होगा सिंपल फार्मूला लगा देना आंसर आ जाएगा ठीक है इट इज यूजली मेजर्ड इन परसन पर स्क्वायर स्क्वायर किलोमीटर ठीक है पर्सन पर किलोमीटर इसका यूनिट है ठीक है फॉर एग्जाम्पल जैसे एरिया ऑफ एक रीजन एक्स है ठीक है उसका हंड्रेड स्क्वायर किलोमीटर एरिया है और पॉपुलेशन उस एरिया की वन लाख फिफ्टी थाउजेंड पर ठीक है तो आप डेंसिटी कैसे निकाल लेंगे आपको पता है डेंसिटी का फॉर्मला होता है पॉपुलेशन बाय एरिया वैल्यू अप कर दी वन लैख फिफ्टी थाउजेंड अपॉन हंड्रेड तो आंसर आ गया हमारा फिफ्टीन हंड्रेड परसन पर स्क्वायर किलोमीटर ठीक है या yeah, हमारे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन आ गया उस एरिया जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वो सबसे ज्यादा है आउट ऑफ ऑल द सेवन कॉन्टिनेंट्स ठीक है अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के बारे में इसका मतलब ये है कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो इतनी अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके बिहाइंड रीजन क्या है इसके बिहाइंड थ्री मेन रीजन है फर्स्ट इज जोग्राफिकल फैक्टर्स सेकंड इज इकोनॉमिक फैक्टर एंड थर्ड इज सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स फैक्टर्स अंडर फर्स्ट पॉइंट इज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी होगी वो एरिया डेंसली पॉपुलेटेड होगा और हमें वाटर की रिक्वायरमेंट हर चीज में डोमेस्टिक डोमेस्टिकपजस इंडस्ट्रीज नेविगेशन एंड एंड ऑल्सो इन एग्रीकल्चर सेकेंड अंडर जोग्राफिकल फैक्टर इज लैंडॉम्स पीपल प्रेफर लिविंग ऑन फ्लैट प्लेन्स एंड जेंटल स्लोप्स ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ्लैट प्लेन्स पे हर चीज़ की अवेलेबिलिटी होती है लाइक इलेक्ट्रिसिटी वाटर यू कैन ऑल्सो डू एग्रीकल्चर एंड मेनी इंडस्ट्रीज आर हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ़ दैट एरिया माउंटेनियस एंड हिल एरियाजर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इनिशियली डो नॉट फेवर एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रेफर कम करते हैं क्योंकि वहाँ पर नॉन ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इलेक्ट्रिसिटी And one cannot do agricultural practices properly there due to uneven terrain. Also, industries cannot be set up properly there. These are the main reasons that mountainous area is less populated than flat plains. These are among the most densely populated areas of the world. As this because around Ganga plains, everything is availability: water, electricity, and very important point is that soil is very fertile around it.

फर्टाइल सॉइल आर इम्पॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चरल एंड एलिड एक्टिविटीज़ तो फर्टाइल जो फर्टाइल सॉइल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर और एलिड एक्टिविटीज के लिए एलिड एक्टिविटीज़ जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री हॉर्टिकल्चर एंड एग्रोफॉरेस्ट्री में फर्टाइल सॉयल होगा उस एरिया में एग्रीकल्चरल एक्टिविटी ज़्यादा होगी जिस वजह से लोग ज़्यादा रहेंगे और जिसकी वजह से वो एरिया हाईली डेंसली पॉपुलेटेड होगा अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में अंडर इकोनॉमिक फैक्टर्स फर्स्ट पॉइंट इज मिनरल्स एरियाज विद मिनरल डिपॉजिट अट्रैक्ट इंडस्ट्रीज जहां पर मिनरल डिपॉजिट पा जाएंगे वहां पर इंडस्ट्रीज अट्रैक्ट होगी ठीक है इंडस्ट्रीज अट्रैक्ट होगी जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की वजह से वो एरिया डेंसली पॉपुलेटेड हो जाएगा ठीक है वन का गजाम्बिया कॉपर बेल्ट इन अफ्रीका इज वन सच गुड एग्जाम्पल ठीक है

जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से फैक्ट्री वर्कर्स के अलावा ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर शॉपकीपर बैंक एम्प्लॉज टीचर्स एंड अदर सर्विस प्रोवाइडर्स अट्रैक्ट को रीजन ऑफ जापान थिकली पॉपुलेटेड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज जोग्राफिकल फैक्टर्स के अंदर हमने पढ़ाया अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के बारे में लैंडफॉम्स के बारे में क्लाइमेट के बारे में और सेकंड पॉइंट इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंडर हमें पढ़ा मिनरल्स के बारे में अर्बनाइजेशन के बारे में एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में इकोनॉमिक फैक्टर्स याद नहीं होते वो इस तरह याद कर सकते हैं एम आई यू आई से एम आई फॉर मिनल्स यू फॉर अर्बनाइजेशन एंड आई फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन अब हम पढ़ेंगे थर्ड फैक्टर के बारे में सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स सम प्लेस अट्रैक्ट मोर पीपल बिकॉज दे हैव रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस रिलीजियस प्लेस लाइक वाराणसी कल्चरल प्लेस लाइक गोवा गवर्नमेंट का मेन मोटिव होता है कि पॉपुलेशन हमेशा इवन डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट डिफरेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं लाइक प्रोवाइडिंग जॉब एंड फ्री इलेक्ट्रिसिटी बिल लाइक दिस अब हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में द पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज रेफर्स टू चेंज इन नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ अ टेरेट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम मतलब एक टेरेट्री में एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में पॉपुलेशन में कितना चेंज आएगा उसे हम पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं चेंज well तो में भी पॉजिटिव एज वेल नेगेटिव। अगर पॉपुलेशन एड हुई पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव होगा इसे हम नंबर में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और परसेंटेज में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं अब हम पढ़ेंगे कॉम्पोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज के बारे में देर आर थ्री कॉम्पोनेट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज इसका मतलब पॉपुलेशन जो चेंज होती है उसकी थ्री मेन रीजनस है फर्स्ट इज बर्थ सेकेंड डेथ एंड थर्ड माइग्रेशन बर्थ रेट सी बी आर इज एक्सप्रेस एज नंबर ऑफ लाइफ बर्थ इन अयर पर थाउजेंड ऑफ पॉपुलेशन सी बी आर का फॉर्मूला है बर्थ रेट अपॉन मिड ईयर पॉपुलेशन इन टू थाउजेंड इस बात ध्यान रखना इसमें स्टार्टिंग ईयर की पॉपुलेशन भी लेनी ना एंड की इसमें हमें मिड ईयर पॉपुलेशन लेनी है पढ़ेंगे क्रू डेथ रेट के बारे में सी डी आर सी डी आर इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेथ इन पर्टिकुलर ईयर पर थाउजेंड इसका मतलब एक पर्टिकुलर रीजन में एक पर्टिकुलर साल के अंदर थाउजेंड की में कितनी डेथ होती सीडीआर सी डी आर का फॉर्मूला है डी अपॉन पी इन जिसमें डी नंबर ऑफ डेथ है सी डी आर और सीबीआर के बारे में तो आपको खाली वैल्यू अप करनी है और आंसर आ जाएगा आपका के के माइग्रेशन है माइग्रेशन का सिंपल मीनिंग ये होता है कि... टेम्परेली और परमानेंटली ठीक है प्लेस ऑफ ओरिजन अब हम पढ़ेंगे स्क्रीन तो पर एक फोटो दिख रही होगी डेली एंड मुंबई की तो अगर मुझे मुंबई में बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज बेटर फैसिलिटी ऑफ वाटर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट एंड बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलता है तो मैं मुंबई में माइग्रेट कर जाऊँगा यानी शिफ्ट कर जाऊंगा तो डेली प्लेस ऑफ ओरिजन हो जाएगा और जैसे मैं डेली से मुंबई शिफ्ट कराऊँ तो पॉपुलेशन ऑफ मुंबई इंक्रीज कर जाएगी